और सबसे दुखदाई बात यह है कि जिनके बच्चे यहाँ पे आकर के पढ़ते हैं उनके दिमाग में सबसे ज्यादा यह बात घुसाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके पैसे की बर्बादी हो रही है। इसके डेटा पे हम लोगों को बात करना चाहिए कि कहाँ पैसे की बर्बादी होती है। जब 3,000 करोड़ रुपए में इस देश में मूर्ति बनती है तब पैसे की बर्बादी नहीं होती है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी को जब पढ़ाने के लिए पैसा दिया जाता है तब पैसे की बर्बादी होती है। ऐसा क्यों होता है? ये नजरिया क्यों बनाया जा रहा है? ये नजरिया इसलिए बनाया जा रहा है कि मैरिट के इस लॉजिक में फंसा करके जो हमारी असली लड़ाई है उसको गुमराह किया जा सके। कहते हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट को मैरिट नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अमित शाह का जो बेटा है, जो देखने में बिल्कुल उनका फोटोकॉपी लगता है, वो जो जय शाह है, उसका क्या मैरिट है? उसको कैसे बना दिया गया है बीसीसीआई का सेक्रेटरी? मैं तो कहता हूं कि जेएनयू के किसी स्टूडेंट को पकड़ करके अमित शाह खुद अपने कमरे में बुला करके क्रिकेट के डकवर्थ लुइस नियम पर ही बहस कर ले, उनका बेटा से ज्यादा नॉलेज है जेएनयू का। क्या है ये मैरिट का लॉजिक? ये मैरिट का लॉजिक कहां से आता है? ये मैरिट का लॉजिक वहीं से आता है कि जो लोगों को लगता है कि हमारे घर में काम करने वाली का बच्चा जेएनयू जैसे संस्थान में पढ़ करके पीएचडी कर लेगा, अंग्रेजी बोलेगा, अंग्रेजी तो छोड़ो, चाइनीज भी बोलेगा, जर्मन भी बोलेगा, स्पेनिश भी बोलेगा, रशियन भी बोलेगा, तो उनको लगता है कि ड्राइवर का बेटा हमारा ड्राइवरी नहीं करेगा। और इसी मानसिकता के चलते आज इस देश की पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को तबाह किया जा रहा है। एक हंसाने वाला व्यक्ति है, रेडियो में काम करता है, बोला कि 10 रुपए से 300 रुपए बढ़ा दिया गया है। अरे दोस्त, जब तुम बाजार में केला खरीदने के लिए जाते होगे ना, तो कहता होगा 40 रुपए दर्जन, तो कहता होगा 30 रुपए दर्जन में मिलता है। अरे जब केला खरीदने के लिए जाते हो तो 10 रुपया का बार्गिन करते हो, और तुमको 10 रुपए में और 300 रुपए में कोई अंतर समझ में नहीं आता है। लास्ट में जो चैनल तुमको सैलरी दिया होगा ना, उसमें अगर 300 रुपया काट करके भेजे तब देखेगी तुम तो 300 के खिलाफ सवाल उठाते हो। और मसला 300 का नहीं है, मसला 10 रुपए या 20 रुपए का नहीं है, मसला उस मानसिकता का है कि इस देश में शिक्षा बेचने की वस्तु होगी या लोगों का संवैधानिक अधिकार होगा। मसला इस बात का नहीं है कि एजुकेशन में लोगों से सेल्फ फाइनेंस के मॉडल पे पैसा वसूला जाए, इस पे हम लोगों को प्रश्न करने की जरूरत है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 10 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपया नहीं किया गया है। जब आप टोटल फीस को देखेंगे तो उसको बढ़ा करके 65,000 से 70,000 रुपया सालाना कर दिया गया है। और जेएनयू का आंकड़ा कहता है कि 100 में से 40 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी सालाना आमदनी परिवार की 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में है। जिनको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलता है, मुझे बताइए कि वो कैसे अपने एक बच्चे पे 65,000 से 70,000 रुपया खर्च कर पाएंगे। और इसका सबसे पहला असर किसके ऊपर होगा? इसका सबसे पहला असर इस देश की लड़कियों के ऊपर होगा। मैं अपनी फैमिली का उदाहरण देता हूँ। मंच पे खड़ा होकर के ये नहीं बोलूंगा कि मेरा परिवार बड़ा प्रोग्रेसिव है। मेरी बहन जब 10th का एग्जामिनेशन पास की, उसका पढ़ाई बंद कर दिया गया। लेकिन जब मैं 10th पास किया तो मुझे पढ़ने के लिए पटना भेज दिया गया। क्यों हमको सुरखाब के पंख लगे हुए हैं? हम ही दुनिया भर का सबसे मेरिट लेकर के पैदा हुए थे। हमको अवसर मिला क्योंकि हम बेटा थे। हमारी बहन को अवसर इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो बेटी थी, उसको हायर एजुकेशन में नहीं भेजा गया। अगर ये फीस वृद्धि की गई और 1.5 लाख सालाना आमदनी वाला यदि परिवार है, अगर उसको एक लड़का का और एक लड़की को पढ़ाने का ऑप्शन होगा तो वो लड़की को नहीं पढ़ाएगा, और जब लड़की नहीं पढ़ेगी तो वो जेएनयू का प्रेसिडेंट भी नहीं बनेगी, सरकार से सवाल भी नहीं पूछेगी। ये तो मानसिकता है। इस मानसिकता को आप समझिए कि ये जो फीस वृद्धि की गई है सीधे तौर पे समाज के जो सबसे कमजोर लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो गरीबों, किसानों और मजदूरों के बच्चे हैं, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस देश में जिसको पैसा है वो तो ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जाकर के पढ़ रहा है। और वही आदमी कहता है कि शिक्षा की सब्सिडी पे खर्च नहीं होना चाहिए। ए साहब, लाज अगर होगा ना तो आईना में अपना मुंह देख लीजिएगा। आपका बच्चा ऑक्सफोर्ड में जब पढ़
करने के लिए जाता है तो वो भी किसी देश की जनता के टैक्स का पैसा है और वो भी किसी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सब्सिडी है। आपका बच्चा सब्सिडी पे पढ़े और आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई और टैक्स भरे तो आप छाती चौड़ा करके घूमते हैं, और अपने ही देश में जब आपका टैक्स का पैसा इस देश के गरीब विद्यार्थियों के ऊपर खर्च होता है तो आपको पेट में दर्द होने लगता है। क्या कहते हैं कि आईफोन यूज करता है। अरे हम तो आईफोन क्या, हम तो एप्पल का मोबाइल खरीदना चाहते हैं, एप्पल का घड़ी खरीदना चाहते हैं, और एप्पल का कुछ होता है क्या? अरे हम तो कहते हैं कि एप्पल ही बहुत महंगा हो गया है, हम तो रोज सुबह में एप्पल खाना चाहते हैं। क्यों? आप ही आईफोन यूज कीजिएगा, हम आईफोन नहीं यूज करेंगे। ये बोलिए ना कि हमने चोरी की है, हमने बेईमानी की है। अरे जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, स्ट्रगल करके हमने पढ़ाई की, आज स्ट्रगल करके अपनी नौकरी कर रहे हैं, और बाहर निकल करके किसी आम टैक्स पेयर से जेएनयू के स्टूडेंट ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और किस चक्कर में हम लोग अपना योगदान नहीं दे रहे हैं? अरे मेरे जैसा आदमी जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिला है उसको भी चुनाव लड़ने से पहले आईटीआर भरना पड़ा था, बता दीजिए। टैक्स कौन नहीं भरता है? डायरेक्ट टैक्स भरता है, इनडायरेक्ट टैक्स भरता है, सिर्फ आप ही लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं। और ये टैक्स का तर्क देने वाले लोग हैं उनको देखिएगा कि मार्च में सबसे ज्यादा सीए का ऑफिस का चक्कर वही लोग लगा रहे होते हैं। और टैक्स का पैसा का अगर इतना चिंता है तो हम कहते हैं कि चिंता कीजिए, बेशक चिंता कीजिए, लेकिन सवाल ये मत पूछिए कि जेएनयू की शिक्षा महंगी सस्ती क्यों है, ये पूछिए कि आपकी शिक्षा महंगी क्यों है, ये सवाल आपको पूछा जाना चाहिए। और सरकार हर बात में कहती है कि पैसा नहीं है, तो एक बात बताइए, मोटा भाई को विधायक खरीदने के लिए पैसा है और देश के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है? करोड़ों करोड़ रुपया देकर के विधायक खरीद रहे हैं। कर्नाटक का एक विधायक बोला, हम तो 700 करोड़ ही मांगे थे, मोटा भाई हमको 1000 करोड़ दे दिया। एक-एक यूनिवर्सिटी को अगर आप 1000 करोड़ रुपया दे दें तो वो बेस्ट पढ़ाई करा सकते हैं। इस मानसिकता को समझिए, और इस मानसिकता को जब हम समझेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो मैं अब जेएनयू में नहीं हूं, मैं आपको बता देता हूं, मैं बेगूसराय से सीधे आया हूं। पूरा देश आज जेएनयू की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, और जेएनयू ने जो सवाल उठाया है कि शिक्षा सबका पढ़ने का अधिकार है, ये अमीरों को मिलने वाला खैरात नहीं है। शिक्षा हमारा संवैधानिक अधिकार है और शिक्षा हमको मिलनी चाहिए। एजुकेशन हमारा राइट है, ये हमारा प्रिविलेज नहीं है। और जिस तरीके से प्राइवेट संस्थानों में पहले से ही गरीबों को बाहर कर दिया गया है, उसी साजिश के तहत पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को भी तबाह किया जा रहा है। और एक बात और बता देते हैं, इन लोगों को जमीन से बड़ा प्रेम है। ये जब भी बसंत कुंज से गुजरते हैं ना, या बसंत स्क्वायर मॉल में बैठ करके लगा रहे होते हैं शाम को, तो सामने जेएनयू देख करके कहते हैं, डू यू नो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस लैंड? सुनिए, ये जो आपका नजरिया है ना, इस नजरिए के खिलाफ है हम। ये देश जितना इस देश के अमीरों का है उतना ही देश के गरीबों का है। ये देश जितना दिल्ली के कमिश्नर साहब का है उतना ही दिल्ली के कांस्टेबल का ही है। इस देश को इस तरीके से अगर हम देखना शुरू करेंगे तो हम इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद को नहीं बचाएंगे, और जब जिस देश में शिक्षा नहीं बचेगी वह देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मैं आपको स्टेट यूनिवर्सिटी की हालत बता देता हूं, जहां 20,000 स्टूडेंट हैं वहां 10 शिक्षक हैं। जहां थोड़ी बहुत पढ़ाई हो रही है उनको भी उस पढ़ाई से दिक्कत है, और कई बार क्या कहते हैं कि जेएनयू के टीचर ही जेएनयू के खिलाफ में लिखे हैं। तो हमको एक बात बताइए, बेवकूफों का कोई गांव होता है? बेवकूफ का कोई गांव नहीं होता है, हर गांव में बेवकूफ पाए जाते हैं। जेएनयू में भी कुछ हैं जो मोदी मोदी का भजन गा रहे हैं, ठीक बात है, गाने दीजिए, लेकिन ये सवाल राइट लेफ्ट का सवाल नहीं है, ये राइट रोंग का सवाल है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये जो लेफ्ट राइट का सवाल इसको बना रहे हैं, मैं समझता हूं वो जानबूझ करके ये सवाल बना रहे हैं ताकि आम जनता से इस सवाल को काट दिया जाए, और आम लोग जो हैं उनका जेएनयू से जो एक संबंध हो सकता है उस संबंध को कमजोर कर दिया जाए। लेकिन मैं आप जेएनयू के विद्यार्थियों को आभार व्यक्त करता हूं, और खास करके स्टूडेंट यूनियन को, टीचर्स एसोसिएशन को, और वो सारे संगठनों को जो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, कि आपने इस बिकी हुई मीडिया को कोशिशों के बावजूद, जो दिन भर हेडलाइन मैनेजमेंट करने में लगे हुए रहते हैं,
आज महाराष्ट्र के हंगामे के बीच यह बात दब गई कि भाजपा आतंकियों को फंडिंग करने वाली कंपनी से फंड लेकर के आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। इसको मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं। इस महाराष्ट्र के पूरे प्रकरण में यह बात दब गई, लेकिन आपकी इस लड़ाई को दबाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आपने सड़कों पर लड़ने के उस साहस को बरकरार रखा। आपके ऊपर लाठियां चलाई गई, आपके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा गया, तमाम तरीके की बदतमीजियां आपके ऊपर की गई, लेकिन आपने अपने साहस से और अपनी एकता से इस देश की जनता को यह मैसेज पहुंचा दिया है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस देश में आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा के अधिकार को लेकर के लड़ रहे हैं। और इसका यह नतीजा हुआ है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अब यह मांग उठने लगी है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसी तरीके से आप एकताबद्ध रहिए और उस नारे को दोहरा करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, फीस वृद्धि के हथियारों से हम भी उसको ध्वस्त करेंगे। एकताबद्ध कतारों से इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद।